एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपसे बात करूंगी मंदिर के बारे में। मंदिर आखिर घर में हो या फिर ऑफिस में हो या शॉप पे हो या किसी भी वर्क प्लेस एरिया में हो, आखिर कौन सी दिशा में होना चाहिए। मंदिर में ऐसे बहुत सारे जुड़े हुए ऐसे वास्तु दोष हो जाते हैं जिनकी वजह से हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मंदिर हमारे घर में या ऑफिस में या वर्कशॉप शॉप पे हर जगह पर बहुत ही एक अहम स्थान है, इसका हमें बहुत ध्यान रखना होता है। मंदिर में हमें कौन सी किस तरीके की मूर्ति रखनी चाहिए, मंदिर में ऐसा क्या रखें जिससे हमें धन लाभ हो और हमें हमारी प्रार्थना का फल मिले, और मंदिर से जुड़ी बहुत सारे वास्तु टिप्स के बारे में आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ। तो आज के एपिसोड में एंड तक बने रहिएगा। बट इससे पहले मैं आपसे को बताना चाहूँगी, मैं शालिनी गुप्ता, वास्तु कंसल्टेंट। नमस्ते है आप सबको मेरा। आशा करती हूँ आप लोग घर में सब सही होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। अगर आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगता है और अभी तक आप लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए बात करते हैं सबसे पहली बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात के बारे में कि मंदिर आखिर कौन सी दिशा में होना चाहिए। मंदिर अगर आप एक छोटे से कमरे में रहते हैं, बड़े से घर में रहते हैं, या छोटी सी दुकान है, या बड़ी सी फैक्ट्री है, कुछ भी हो, मंदिर हमेशा नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान कोण या फिर ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा में ही होना चाहिए। ये सबसे अच्छे स्थान माने गए हैं, सबसे अच्छी जगह मानी गई है। इसके अलावा अगर आपके घर में किसी वजह से मंदिर किसी भी और जगह पर बना हुआ है तो वास्तु रेमेडी ज़रूर करवाएं, और वास्तु रेमेडी वास्तु सॉल्यूशंस हर चीज़ का अवेलेबल है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आपका मंदिर नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट में नहीं है तो ज़रूर की ज़रूर वास्तु की उपाय ज़रूर करें। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, मैंने ज़्यादातर घरों में देखा है कि मंदिर में लाल रंग का बल्ब लगाते हैं तो वो बहुत बड़ा वास्तु दोष होता है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया है मंदिर नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान में होना चाहिए, वहाँ पे लाल रंग की चीज़ें बिल्कुल भी मना होती हैं। वहाँ पे लाल रंग की चीज़ें रखने से कहीं ना कहीं दिमागी रूप से इंसान बहुत परेशान हो जाता है, स्ट्रेस में रहता है, डिप्रेशन में जाता है। तो कोशिश कीजिए लाल रंग की बल्ब ना लगा के सफ़ेद रंग का बल्ब लगाएँ, जो आपके लिए बहुत अच्छा होगा घर में, जिससे सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। बात करते हैं मंदिर की कि मंदिर में, मंदिर कभी भी स्टोर रूम में बनी बनाना चाहिए, मंदिर बेसमेंट में, मंदिर किचन में, और साथ ही बेडरूम या स्टेयर्स के नीचे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से भी घर में रहने वालों को तरक्की नहीं हो पाती। मंदिर कभी भी टॉयलेट के ऊपर, टॉयलेट के नीचे या टॉयलेट के सामने भी नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से भी बहुत बड़ा वास्तु दोष होता है, जिसकी वजह से घर में धन संबंधी बहुत सारी परेशानियों का आपको सामना करना पड़ सकता है और कर्जे भी चढ़ सकते हैं। मंदिर में अगर आपके खंडित मूर्ति हैं तो वो जल्दी से प्रवाह कर दीजिए। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि खंडित मूर्ति घर में भी नहीं रखनी चाहिए तो मंदिर स्थान में भी नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से भी बहुत बड़ा वास्तु दोष हो जाता है, जिस वजह से आपको आपकी प्रार्थना का फल नहीं मिल रहा होगा। मंदिर में अगर बासी फूल रखे हुए हैं बहुत समय से, तो उन्हें जल्दी आज ही हटा दें, क्योंकि ये भी एक बड़ा वास्तु दोष माना जाता है। मंदिर में पूर्वजों की फ़ोटो यानी कि अपने जितने भी आपके पूर्वज हैं उनकी फ़ोटो रखना भी बहुत बड़ा वास्तु दोष है। वहाँ पर मंदिर में इस तरीके की फ़ोटोज़ भी नहीं रखनी चाहिए। मंदिर के बर्तन को अलग तरीके से साफ़ करना चाहिए, अलग चीज़ों से, मतलब अलग और बर्तनों के साथ साफ़ नहीं करना चाहिए, अलग से साफ़ करना चाहिए। मंदिर में हमेशा इतना ध्यान रखना है, सुबह और शाम अगर आप घी का दीपक जलाते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा ख़त्म होकर आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। अगर मंदिर में अगर आप रोज़ सुबह और शाम अगर एक बर्तन में पानी भर के रखते हैं तो ऐसा कहते हैं कि वास्तु दोष ख़त्म होते हैं, और साथ ही आपको धन का बहुत ज़्यादा लाभ होना स्टार्ट हो जाता है। किसी वजह से पैसे रुके हुए हैं या कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी से आपके पास पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा, और ये बहुत ही बड़ा और चमत्कारी उपाय है। मंदिर में आप पीले रंग का कपड़ा ज़रूर बिछाएं, ऐसा करने से भी वास्तु दोष दूर होते हैं। मंदिर में लाल कलर का कपड़ा, लाल कलर का बल्ब, जैसे कि मैंने आपको बताया, बिल्कुल भी ना यूज़ करें। ये छोटे छोटे उपाय हैं वास्तु के मंदिर से जुड़े, इनको आज ही अपने मंदिर में ज़रूर की ज़रूर अपनाएं और अपने घर को सुख शांति के साथ भरपूर भरें।